Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. नंबर 1. शाहरुख खान सलमान खान देंगे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद. जी हाँ, राधिका अनंत की शादी का बैंड जल्दी ही बजने वाला है, यानी कि 12 जुलाई को इनकी शादी हो रही है जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. और वहीं 12 जुलाई को शादी कर लेने के बाद 13 जुलाई को इनके लिए आशीर्वाद सेरेमनी रखा जाएगा, जिसको लेकर खबर आ रही है कि इसमें शाहरुख खान सलमान खान रणबीर कपूर आलिया भट्ट शामिल होने वाले हैं. नंबर 2. फिल्म कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन ने एक इंटरव्यू में कल्कि के सिक्वल और भगवान कृष्ण को लेकर के खुलासा किया है. देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कल्कि नाग अश्विन के करियर की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है. अब ऐसे में इस पर बात करते हुए नाग अश्विन ने कहा, कल्कि जैसी फिल्म हमारी इमेजिनेशन से परे थी. ये बेहद एम्बिशियस फिल्म थी, बहुत कुछ दांव पर लगा था. कई मेकर्स इस साइंस फिक्शन फिल्म के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. अगर ये फिल्म नहीं चलती तो इसके लिए कई और दरवाजे सालों के लिए बंद हो जाते. वहीं कृष्णा के रोल की बात की जाए तो उनका रोल शेडो वाला ही होगा, इसे मानवीय नहीं किया जाएगा. नंबर 3. स्त्री 2 में अक्षय कुमार की एंट्री हो गई है. हाल ही में HT सिटी में एक खबर छपी थी, इससे पता लगा कि अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 में नजर आएंगे, कॉमेडी का तड़का लगाएंगे. लेकिन कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार स्त्री 2 में कैमियो करने वाले हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त है, यही वजह है कि मेकर्स अक्षय कुमार का कैमियो करवा रहे हैं. उनका मानना है कि उनकी कुछ मिनट की एंट्री भी फिल्म के उस सीक्वेंस को शानदार बना देगी. नंबर 4. मिर्जापुर 4 पर बड़ी अपडेट आई है. जी हाँ, मिर्जापुर में शबनम का रोल निभाने वाली शेरनवाज सैम जीजीना ने खुलासा किया था कि चौथे सीजन पर काम शुरू हो गया है. न्यूज 18 के साथ एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, ये बहुत जल्द होने वाला है, इसका चौथा सीजन आएगा, राइटिंग चल रही है. आगे एक्ट्रेस ने कहा, मुझे यकीन है कि वो फिर से कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिसमें बहुत ज्यादा शॉक वैल्यू होगी. नंबर 5. भूल भुलैया 3 के मेकर्स मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ओरछा में कदम रखते हुए एक नया चैप्टर खोलने के लिए तैयार हैं. कार्तिक आर्यन के दूसरे प्रोजेक्ट चंदू चैंपियन के लिए ब्रेक के बाद टीम रोमांच और हंसी के वादों के बीच फाइनल शूटिंग शेड्यूल शुरू करने के लिए फिर से साथ आ गई है. यानी कि सारी स्टार कास्ट एक बार फिर से मिलकर शूटिंग स्टार्ट कर चुकी है. जी हाँ, फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग इन दिनों ओरछा में चल रही है. फिल्म की शूटिंग के लिए विद्या बालन सोमवार को ओरछा पहुंची, जबकि कार्तिक के साथ तृप्ति डिमरी पहले से ओरछा में है. नंबर 6. अक्षय कुमार की सरफिरा को लेकर कहा जा रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो सकती है, क्योंकि सरफिरा की कहानी एक दिलचस्प और रोमांचक विषय पर बेस्ड है जो दर्शकों को बांधे रखने में कैपेबल होगी. फिल्म में अक्षय कुमार का किरदार एक ऐसे शख्स का है जो समाज के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता है और अपने टारगेट को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. ये किरदार उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग है और दर्शकों को नया एक्सपीरियंस दे सकता है. नंबर 7. आलिया भट्ट की अल्फा का ऐलान हो चुका है. फिल्म पर काम भी स्टार्ट हो गया है और अब आलिया की अल्फा को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिल्म से जुड़ी बड़ी बातें पता चल गई हैं. कहा जा रहा है कि आलिया की फिल्म अल्फा को बड़ी फिल्म बनाएगी. 3 खास बातें. जी हाँ, कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है और स्पाई यूनिवर्स के दमदार एक्टर्स, फिल्म का विलन, ये तीनों फैक्टर मिलकर फिल्म को जानदार बनाएंगे. बता दें कि फिल्म की शूटिंग 15 जुलाई से शुरू होनी है. नंबर 8. जैकलिन फर्नांडिस की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर बड़ी मुश्किलें. नए सबूत मिलते ही ईडी ने भेजा समन. देखिए, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है. दरअसल जैकलिन को ईडी ने नए सबूत हासिल होने के बाद समन भेजा है. नंबर 9. सोनाक्षी से नाराज हैं भाई लव सिन्हा. जी हाँ, वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने 9 जुलाई को 44वीं वेडिंग एनिवर्सरी मनाई है. इस खास मौके पर लव सिन्हा ने एक तस्वीर शेयर कर पेरेंट्स को बधाई दी. इस तस्वीर में लव सिन्हा अपने पेरेंट्स और भाई कुश सिन्हा के साथ नजर आए. इस फोटो में सोनाक्षी नजर नहीं आई. इसके बाद लोगों का मानना है कि जहीर इकबाल संग शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा से भाई लव सिन्हा अभी भी नाराज हैं.
नंबर 10, कल के 2898 एडी का 13वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कल की 2898 एडी ने 9 करोड़ की कमाई अपने नाम की है, जबकि इसके बाद भारत में आंकड़ा 529.45 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें तेलुगु 250.25 करोड़, तमिल 31 करोड़, हिंदी 224.65 करोड़, कन्नड़ 4.25 करोड़ और मलयालम 19.3 करोड़ रुपए हासिल किया गया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई 900 करोड़ के पार पहुंच गई है। नंबर 11, वरुण धवन और डेविड धवन साथ में एक और प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं और इस नई फिल्म की शूटिंग को 12 जुलाई से शुरू की जाएगी। फिल्म की शूटिंग बांद्रा के महबूब स्टूडियो में होगी। शूटिंग के पहले हफ्ते में इंडोर शूटिंग होगी जिसमें बारिश के असरों से बचा जा सकेगा। फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इसे कोई नाम नहीं दिया है। इसके लिए एक बड़ा सेट बनाया गया है जहां शूटिंग की जाएगी। बात करें फिल्म के रिलीज की तो ये 2 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 12, सोनाक्षी सिन्हा और रितेश देशमुख की फिल्म काकूड़ा 12 जुलाई यानी शुक्रवार को OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर बज बना हुआ है। मेकर्स ने फिल्म काकूड़ा का नया पोस्टर शेयर किया जो काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। आदित्य सर पोद्दार के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म काकूड़ा में सोनाक्षी सिन्हा और रितेश देशमुख के अलावा आशिफ खान और साकिब सलीम भी नजर आएंगे। नंबर 13, एक्ट्रेस अनन्या पांडे की कजिन और यूट्यूबर अलाना पांडे ने बीते साल 2023 की मार्च में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आइवर मैकरे के साथ शादी की थी। अलाना पांडे ने अब बेटे को जन्म दिया है और उन्होंने अब बेटे की झलक भी दिखा दी है। अलाना पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। अलाना पांडे के इस वीडियो को देखने के बाद लोग उन्हें माँ बनने पर बधाई दे रहे हैं। नंबर 14, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपनी साउथ फिल्म NBK 109 को लेकर चर्चा में बनी हुई है। अब खबर आ रही है कि उर्वशी रौतेला इस फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उर्वशी रौतेला की टीम से जारी बयान में बताया गया है कि एक्ट्रेस का फ्रैक्चर हुआ है। टीम ने बताया है कि एक हाई ऑक्टेन सीन की शूटिंग के दौरान फ्रैक्चर हुआ और तब से उन्हें दर्द हो रहा है। नंबर 15, ग्लैमरस लुक्स और फिटनेस के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी रहने वाली मलाइका अरोड़ा पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। ऐसी कई अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि मलाइका और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप की अफवाहों के बीच मलाइका अरोड़ा ने अपनी मोस्ट ग्लैमरस फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है जो कि काफी ज्यादा अब वायरल हो रही है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।